कोई भी हार्मोन्स यदि वे अनबैलेंस होते हैं तो वे हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। आज हम थायराइड हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। यदि थायराइड हार्मोन्स अनबैलेंस होती है तो वह महिलाओं पर ही नहीं पुरुषों पर भी बहुत ही बुरा असर डालती हैं। थायराइड क्या है, ये किस तरह से काम करती है, इसके लक्षण एवं कारण, यदि इसके लक्षण नजर आए तो हमें क्या करना चाहिए एवं इसके निराकरण के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। थायराइड कोई रोग नहीं है बल्कि एक ग्रंथि का नाम है जिसकी वजह से हमारे शरीर का संतुलन बना रहता है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में श्वास नली के ऊपर वोकल कार्ड के दोनों ओर भागों में बनी होती है। ये तितली के आकार की होती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन बनाती है। इस हार्मोन में शरीर में एनर्जी प्रोटीन बनता है एवं अन्य हार्मोन के प्रति होने वाली सेंसिटिविटी कंट्रोल में होती है। थायराइड ग्रंथि का काम थायरोक्सिन हार्मोन बनाकर खून तक पहुंचाना होता है जिससे शरीर का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित रहता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक तरह से काम नहीं करती है तो TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होता है। जब ये थायराइड ग्लैंड में जाकर एक्ट करता है, इसका मतलब यह हुआ कि वे हार्मोन जो थायराइड को जाके बताएं कि क्या सीक्रेट करना है, क्या सीक्रेट नहीं करना है। यदि इस स्थिति में TSH ठीक तरह से सीक्रेट नहीं होता है तो जो T3 T4 थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनको कितनी मात्रा में निकालना है, कितनी मात्रा में नहीं निकालना, यह काम होता है TSH का। इस स्थिति में TSH ठीक तरह से T3 T4 हार्मोन्स नहीं निकाल पाता तो हमारे शरीर की ग्रोथ ठीक तरह से नहीं हो पाती है, हमारा शरीर बढ़ नहीं पाता है, प्रॉपर मेंटेन नहीं रह पाता है। हमें कितना मोटा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, कितनी हाइट होना चाहिए, आप जो खा रहे हैं वो प्रॉपर ठीक तरीके से पच रहा है कि नहीं पच रहा है, ये सारा काम थायराइड ग्रंथि का होता है। बाल झड़ने लगते हैं, पुरुषों में गंजापन शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगती है, शरीर बहुत ज्यादा सुस्त रहने लगता है, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, थोड़ी बहुत चोट लगने के कारण भी दर्द बहुत ज्यादा होने लगता है, व्यक्ति डिप्रेशन में रहने लगता है, कब्ज की बहुत ज्यादा शिकायत होने लगती है जिसकी वजह से किसी भी काम में मन नहीं लगता है। अनियमित महावारी, थायराइड के कारण पीरियड अनबैलेंस हो जाता है जिसके कारण ये तो पीरियड बहुत ज्यादा आता है या बहुत ही कम आता है। आवाज में भारीपन, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में थायराइड की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं में हार्मोन्स बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होने लगते हैं जिसके कारण थायराइड की प्रॉब्लम होने लगती है। कई महिलाओं में थायराइड के कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है जिसके कारण बांझपन की भी शिकायत होने लगती है। ज्यादा टेंशन लेने के कारण इसका बुरा असर थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है। खाने में आयोडीन की मात्रा कम या बहुत ज्यादा होने की वजह से भी थायराइड की प्रॉब्लम होने लगती है। थायराइड एक अनुवांशिक बीमारी है। परिवार में किसी और को थायराइड की प्रॉब्लम है तो परिवार के दूसरे सदस्यों को भी थायराइड होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। यदि आपको इनमें से किसी भी प्रकार के लक्षण नजर आए तो एक थायराइड का टेस्ट कराएं। इसमें T3, T4, TSH के लेवल का पता लगाया जाता है। ये टेस्ट ब्लड सैंपल के द्वारा होता है। यदि इस टेस्ट में कोई अबनॉर्मलिटी आए तो घबराएं नहीं, आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाएं, जो हार्मोन्स का डॉक्टर होता है उनको दिखाएं ताकि आपको सही ट्रीटमेंट एवं सही सुझाव मिल सके। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।